जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें हमेशा यही भगवान से शिकायत रहती है कि वो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते, वो हमारी इच्छाओं को क्यों पूरा नहीं करते, तो ये एपिसोड खास आपके लिए ही है और इसे पूरा देखिए। दरअसल बात यह है कि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं या कुछ मांगते हैं तो आपके मांगने का प्रार्थना करने का तरीका गलत होता है। आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते बल्कि आप तो भगवान से व्यापार करते हैं। आप डिमांड रखते हैं कि अगर आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे और मेरा काम ये बना देंगे तो मैं आपको 10 किलो लड्डू दूंगा, मैं आपके यहाँ नारियल चढ़ाऊंगा या आपके नाम से ये कराऊंगा वो कराऊंगा। तो ये सब भगवान का प्रेम नहीं है। भगवान से आपको प्रेम नहीं बल्कि आप अपना स्वार्थ सामने रख कर भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान कभी व्यापार को स्वीकार नहीं करते क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम के वश में आते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं शिवाय एकमात्र प्रेम के जो भगवान को बांध सके और अपनी इच्छाओं को मनवा सके, उसे प्रेम से बांधे जा सकते हैं। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी का बुरा सोचने के मत से या फिर कुछ बुरा करने के मत से या बुराई के पथ पर चलने के मत से अगर भगवान से प्रे करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपना स्वार्थ छोड़कर ये देखना चाहिए कि मेरे स्वार्थ के साथ साथ दूसरे का कितना भला होगा, क्योंकि भगवान को अगर कोई भगवान का भक्त ना हो और अगर वो सच्चे हृदय वाला एक अच्छा मानव हो जो समाज की सेवा करता हो तो ऐसी व्यक्ति की भावना को, ऐसी व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार भगवान जल्दी करते हैं। अगर आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो एक अलग बात है और नहीं करते हैं तो भी चलेगा। आप किसी एक स्थान पर बैठ जाइए, आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं या किसी विशेष चीज को प्रार्थना करते हैं जो आप पाना चाहते हैं तो आप शांत हृदय करके, मन को शांत करके एक जगह बैठ जाइए और कुछ देर अपने अंदर झांकिए जहां आपको आत्मा से मिलाप होगा और फिर आप सच्चे हृदय से, बनावटी हृदय से नहीं, क्योंकि भगवान हृदय को पढ़ लेते हैं, इसलिए आपका हृदय निस्वार्थ और सच्चा होना चाहिए और भगवान से तब प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हम आपकी संतान हैं और इस जगत में आपने हमें किसी उद्देश्य पूर्व भेजा है, किसी उद्देश्य कारणवश भेजा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम इन प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हैं, तो प्लीज भगवान हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई मार्ग दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए, या आप कुछ कह पाना चाहते हैं तो उसके लिए कहना कि हे भगवान, इस जगत में मुझे इस चीज की इच्छा और कामना उठी है, सो हे परमात्मा मुझे कोई ऐसी दिशा दिखाए, कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिससे मैं जो मेरे अंदर भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो मंजिलें हैं उनके रास्ते दिखाइए और मैं उन तक पहुंच सकूं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी विश है आप सच्चे हृदय से कीजिए और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ दिन में उनके रिजल्ट्स या उनके या भगवान के संकेत आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी फॉर्म में। लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि वो कई फॉर्म में दे सकते हैं, किसी आदमी के प्रति आपकी हेल्प करा सकते हैं, सपनों के प्रति आपको रास्ता दिखा सकते हैं या फिर एंजल नंबर के थ्रू आपको कुछ संदेश दे सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और उसका सोल्यूशन निश्चित रूप से देने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण।